वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई सिटी बुक्स। यूथ कमीशन टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यूथ कमीशन टाइम्स ने एक बुक लेकर आया है जिसमें आपको बीएड के सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगी। आज जो बुक दिखाने जा रहे हैं वो आर्ट फैकल्टी यानी कला वर्ग की होगी, जिसमें दो पेपर होते हैं। पहला प्रश्न समान ज्ञान और हिंदी का होता है, दूसरा प्रश्न होता है आपका समान बुद्धि परीक्षण एवं संबंधित विषय का। जो भी कला वर्ग में आपने विषय लिया है आर्ट फैकल्टी में, उसका आपका होगा। परीक्षा के लेटेस्ट पैटर्न पे ये दिए गए हैं, साथ ही साथ ये आपको हम इसका शॉर्ट पेपर के साथ साथ इसकी पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड कर दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अमेजोन हमारे एप्लीकेशन का तथा गूगल बुक्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ बुक डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें फ्लिपकार्ट, इंस्टामोजो और पेटीएम के थ्रू इसे आप परचेस कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.yctbooks.com, वहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। इस बुक्स के अलावा और भी बुक्स की जानकारी मिल जाएगी। अगर आप और कोई क्वेश्चन होता है या बुक परचेज करना चाहते हैं, लिंक्स वगैरह आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है 7518340504, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है। तो आइए बुक की स्टार्टिंग करते हैं। ये कला वर्ग के लिए है, साइंस के लिए हमारे पास अलग ये बुक है, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको मिल जाएगा, और वाणिज्य के लिए भी एक तीसरी बुक आई है। तो बी एड एंट्रेंस एग्जाम की तीन बुक्स है, पहली बुक का मैं रिव्यू दे दे रहा हूँ और दो बुक्स की रिव्यू आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो इसमें जो इसका जो ऑफिस प्राइस है, बुक की प्राइस वो 150 रुपये है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग डिस्काउंट्स पे अवेलेबल होता है। जो पेपर रहता है, प्रथम प्रश्न पत्र 50 अंकों का होगा। प्रश्नों की संख्या 50-50 होती है, अंक 100-100 होते हैं। टोटल 3 घंटे का समय होता है, 200 अंक टोटल होते हैं, 100-100 अंक के होते हैं। दूसरा प्रश्न भी आपके 200 अंकों का होगा, समान अभिरुचि टेस्ट, और जो भी आपने विषय लिया हुआ होगा कला विज्ञान या वाणिज्य, उसके आपके 50 क्वेश्चन मिलेंगे, ये भी 100 नंबर का होगा। तो टोटल 200 क्वेश्चन आपको आएंगे। इसमें क्या होगा, सभी खंड आ के लिए अनिवार्य होगा, भाषा से संबंधित होगा, हिंदी या अंग्रेजी में से कोई जो भी आप चुनेंगे। और इसमें सेकंड पेपर में क्या होगा, सभी आ जो रहेगा खंड सभी के लिए अनिवार्य, खंड बा में जो भी आपका विषय होगा कला विज्ञान वाणिज्य कृषि, जिसमें आप जो आप चूज किए होंगे वो आपको देना होगा, वो भी होगा। टोटल 6 घंटे का पेपर होने वाला है। विषय सूची में आपको क्या मिलेगा कला वर्ग का, तो देखिए यहाँ पे आपको लखनऊ विश्वविद्यालय का 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 इसके आपको पेपर मिल जाएंगे। 2000 बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के 2014 के पेपर मिलेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर के आपको मिलेंगे 2013 का, फैजाबाद का 2012 का, बरेली का 2011 का, इतने सॉल्ट पेपर्स आपको मिलने वाले हैं। तो टोटल 9 पेपर आपको सॉल्ट पेपर इसमें आपको मिलने वाला है। लैंग्वेज जो यूज़ की गई है बुक में, लैंग्वेज हिंदी यूज की गई है डिस्क्रिप्शन के लिए। ये अभी लखनऊ विश्वविद्यालय का जो लेटेस्ट पेपर दो हुआ है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, उसके आधार पर ये बुक इसमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, पहला सेक्शन खंड समान ज्ञान का होता है, तो समान ज्ञान के कुछ क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ आपको इस बुक में जो अपडेट किए गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो कालीबंगन, रोपण, पाटलिपुत्र, लोथल। तो पाटलिपुत्र क्या है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। डिस्क्रिप्शन में भी कुछ डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो लोथल से प्राप्त वस्तुएं युगल समाधि, पत्तन, घोड़े का अवशेष, धान की भूसी। रोपड़ से प्राप्त वस्तुएं तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता, कालीबंगा, जूते हुए खेत, अग्निकुंड आदि सिंधु प्रदेश से प्राप्त हुई हैं। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई है, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्त थे, जो शासक अशोक से संबंधित थे। उपनयन समारोह है, वास्को डी गामा किस वक्त कालीकट आया, तो वो आया था आपका 1498 ईस्वी में, वह कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे पूछा गया है। तो ये 2019 का जो 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है। जैसे ही आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, वैसे ही आपके 51 क्वेश्चन से हिंदी स्टार्ट हो जाता है दूसरा सेक्शन। तो हिंदी के भी 50 क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी के जैसे ही 50 क्वेश्चन समाप्त होंगे, इसके बाद आपका सेकेंड पेपर स्टार्ट होगा। सेकंड पेपर क्या है आपका, सस्वली रीजनिंग स्टार्ट होगी। रीजनिंग किस प्रकार का है, डिस्क्रिप्शन में तुरंत आंसर भी दिए गए हैं, और इसका भी लैंग्वेज यूज किया गया है, हिंदी लैंग्वेज में यूज किया गया है। यहाँ से आपका सेकंड पेपर स्टार्ट होते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, तो इसके भी 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ 50 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद आपका खंड खास ये कला वर्ग का है, तो कला वर्ग यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। कला वर्ग की जितने भी
क्वेश्चन होंगे, लंगर की परंपरा किसने आरंभ की थी? लंगर की परंपरा गुरु नानक जी ने आरंभ किया था। तो इसका डिस्क्रिप्शन में डिटेल क्या दिया गया है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। सिख पंथ की स्थापना गुरु नानक ने की थी। वह सिखों के पहले गुरु थे उन्होंने सिख के प्रचार के लिए संगतों की स्थापना की, लंगर व्यवस्था को स्थापित किया। दूसरे गुरु लाहना गुरु अंगद ने नानक द्वारा स्थापित लंगर व्यवस्था को एक स्थायी बनाया। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की भूमिका क्या थी? युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, राजकोष को बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो कोतवाल की भूमिका रहती थी कानून और राजस्व की व्यवस्था बनाए रखना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो डी ऑप्शन इसमें सही है। आईने अकबरी किसने लिखा था? तो ये अबुल फैजल जी ने लिखा था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी अकबर नामक की एक भाग है। अबुल फजल मुगल बादशाह अकबर के दरबार में रहते थे। बीरबल फाजी मुल्ला दो प्याजा भी अकबर के दरबार थे। ये सभी अकबर के नौ रत्नों में आते थे। तो ये इस प्रकार आपका फर्स्ट पेपर के सेक्शन समाप्त हो जाते हैं। इसके यहाँ जैसे ही पेपर समाप्त होगा 2018 का आपका स्टार्ट हो जाएगा पेपर। तो जिस उसी प्रकार दिया गया है जिस प्रकार क्वेश्चन थे, आओ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये लास्ट पेपर आपका है जो फैजाबाद यूनिवर्सिटी का है वो हो गया है। ये महात्मा जो ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली का। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन ये इस प्रकार दिए गए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।